सो हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 11th यूनिट जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि हिंदी में ही कंटिन्यू करना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं वैसे तो हिंदी में है बट मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत से आ रहे हैं जिनको इंग्लिश में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सो कंटिन्यू करते हैं कि ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम में हमको बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, ब्रेन क्या है, सेरेबेलम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, रेडियल नर्व क्या है, सेक्रम प्लेक्सस क्या होता है, आपका सियाटिक नर्व क्या है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में अगर जानना है कि नर्व्स हैं, नर्व्स का कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन है, और ओरिजिन है तो इनका इंसर्शन भी होगा। तो कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ इंसर्शन है, इनका एक्शन क्या है या इनका मूवमेंट क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, अगर डिटेल में जानना है तो एक कमेंट कीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में जहाँ पर एक्शन के साथ मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन भी पता होगा। सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए काफ़ी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हमको बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, सेंसरी मोटर्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं और मेनेंजेस क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या है, CSF क्या है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, मूवमेंट क्या होते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरोलॉजी आता है पहले कि व्हाट इज़ द न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो द न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस इन विच द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिजीज आर स्टडीड, इट कॉल्ड न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनता है, न्यूरो मीन्स नर्व, लॉजी मीन्स स्टडी, तो द स्टडी ऑफ द नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में होने वाली बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित हुआ नियमित करते हैं। ठीक है, तो द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गन और ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, अब जो हमारा ब्रेन है या फिर जो नर्वस सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बनता है। और जो तंत्रिका तंत्र उत्तकों से बना होता है, टिश्यूज से बना होता है, और इन उत्तकों में तंत्रिकाएं, कोशिकाएं या न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर या विशेष संयोजी उत्तक न्यूरोलॉजिया पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, ओके, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर एंड स्पेशियस कनेक्टिव टिश्यूज, न्यूरोग्लिया आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ठीक है, इन न्यूरोग्लिया के बारे हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये आगे चार हैं, स्पेशल्स होते हैं इनकी, ये मेन फंक्शन इनका पता चल जाएगा आपको, तो पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा ब्रेन या नर्व्स हमारी कैसे काम करती हैं। ओके, अब तंत्रिका तंत्र को या नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CNS और PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो इसके बाहर का है, तो इट इंक्लूड ऑल दोज नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। तो नर्वस सिस्टम में भी CNS और PNS है, सेंसरी को एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं और मोटर को इफेरेंट नर्वस सिस्टम बोलते हैं, देन सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब कुछ क्या है, जैसे कि आपका द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्रेनियल एंड सेक्रल नर्व्स। ठीक है, तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ पेयर्स ऑफ, इनका पेयर है, क्रेनियल और सेक्रम का पेयर है। ठीक है, इनके पेयर से मिलकर बनती है, इन विच सम सेंसरी और सम मोटर्स एफरेंट आर मिक्स्ड होती हैं नर्व। ठीक है, अब न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो न्यूरॉन्स सब ने पढ़ा है, छोटे में भी, 10th में, 11th में भी, 12th में भी पढ़ाया गया है कि व्हाट इज़ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सबको पता होता है। तो
जो नर्वस सिस्टम है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और यह स्पेसिस टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया, और इसी से ये बंधे होते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया से। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो नर्व सेल्स है, इसको स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है 10th, 11th, 12th वगैरह में, ठीक है। तो तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, ठीक है। ये डिटेल हमने ये पहले सेल्स के जो टॉपिक था, सेल्स वाला चैप्टर था, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, गॉल्जी अपैरेटस क्या है, सेल बॉडी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इनको हमने पढ़ा है, ठीक है। बट ये न्यूरॉन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, ये वो सेल्स का नहीं है, ओके। अब बात करते हैं कि सेल बॉडी क्या होती है। तो सेल बॉडी भी एक तरीके से यह तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स एंड इन द मिडल ऑफ द व्हिच इट हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलोसाइट या ग्रैनुल्स या साइटोप्लाज्म रिमेंस आउटसाइड इट। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कणिका में साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र का ग्रे मैटर बनाती है। जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो ग्रे मैटर बनाती हैं, ठीक है, जो कि मस्तिष्क की परिधि व मेरुरज्जु के मध्य में पाया जाता है। तो ये आपका व्हिच इज फाउंड बिटवीन द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन क्लस्टर ऑफ द सेल्स, गुच्छा जो हो गया ना, द क्लस्टर ऑफ द सेल्स बॉडी आर कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड गैंग्लियन, ठीक है, गैंग्लियन, और इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक तरीके से हर एक नर्व सेल से इमर्ज होती निकलती है, ठीक है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में से एक्सॉन निकलता है, ओके। तो एन एक्सॉन इमर्ज फ्रॉम एवरी नर्व सेल्स। अब जो कोशिका काय की बॉडी, जो कोशिका काय है, जो बॉडी है, तो वो वहाँ से संवेग को या इम्पल्स को ये दूर ले जाता है, ठीक है। तो इट कैरीज मोमेंटम फ्रॉम डिस्टेंस, नहीं हाँ, इस कोशिका काय से संवेग को दूर ले जाता है, और जो एक्सॉन होता है वो डेंड्राइट से काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। दिस इज अ थिन लेयर अराउंड द एक्सॉन, एक पतली परत होती है जिसे एक्सोलेमा बोलते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर था उसमें थे ना, एक्सोलेमा था, तो एक्सोलेमा क्या है, उसके एक्सॉन के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है। देन जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को बंद करके रखती है, साइटोप्लाज्म को सेल बॉडी बंद करके रखती है, ठीक है। और ये अक्ष तंतु दो प्रकार के होते हैं, जो एक्सॉन है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब जो माइलिन युक्त होता है, माइलिन से जो कवर्ड होता है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो फाइबर है ना, उसके जो फाइबर होते हैं, उन फाइबर के ऊपर एक तरीके से वाइट कलर का एक फैटी सबस्टेंस कवर हो जाता है, ठीक है। उसी वही माइलिन की कवर होती है, उसी लिए इसको बोलते हैं माइलिनेटेड हो गया है, ठीक है। और यही फाइबर जो हो गए ना, वो स्वान सेल्स की श्रृंखला में से निकलता है, ठीक है। अब जो इनकी लंबाई में फैली होती है, और माइलिन बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट होकर या संकुचित होकर, ठीक है, ये विभाजित हो जाता है, और इस विभाजित हुए स्थान को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, और यही आगे जाके एक तरीके से नर्व्स इम्पल्स जो होती है ना, नर्व्स इम्पल्स का एक तरीके से सोर्स माना जाता है। तो अब इसको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से नर्व्स इम्पल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, तो कंटिन्यू करते हैं।
शीघ्र संचारित करने में सहायक होता है। और अक्ष तंतु मस्तिष्क की गहराई में गुच्छों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन फाइबर्स आर फाउंड इन द क्लस्टर डीप इन द ब्रेन, ओके, व्हिच कॉल्ड ट्रैक्ट्स। और तथा ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाए जाते हैं, और ये ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के बाहर तंत्रिका या तंत्रिका तंतु कहलाते हैं, ठीक है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, नर्व या नर्व फाइबर बोले जाते हैं, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। तो डेंड्राइट्स एक तरीके से बताया था कि एक्सॉन से थोड़ा सा छोटे होते हैं, एक्सॉन तो बहुत बड़े होते हैं, और एक तरीके से लेटरल फाइबर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेंसरी एंड आपका एफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि निसल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एक तरीके से प्रोसेसेस करते हैं, व्हिच रिसीव इम्पल्स एंड कैरी द इनकमिंग इम्पल्स। मतलब जो मैसेज आ रहा है नर्व्स के पास, फिर उसको ये वापस ले जाके आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि वो ब्रेन तक मैसेज पहुंच पाए, ठीक है। तो ये इम्पल्स को प्राप्त करने वाले तथा आने वाले आवेगों को कोशिका या दूसरी सेल्स की बॉडी तक ले जाते हैं, और ये एक्सॉन के जैसे होते हैं, परंतु उनसे ब्रांच में फैले ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनसे छोटे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूरोग्लिया भी क्या है, एक तरीके से न्यूरोग्लिया या तंत्रिका बंद न्यूरॉन से छोटे होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से बंद न्यूरॉन से छोटे होते हैं, और दीज न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम आर सपोर्टेड अराउंड देम बाई नॉन स्टिमुलेटेड ग्लियल सेल्स व्हिच आर फॉलोइंग, चार टाइप की होती है जो बताया था मैंने, ठीक है। और ये होती हैं एट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, देन माइक्रोग्लिया और एपिडाइमल, ठीक है। अब बात करते हैं कि एट्रोसाइट्स क्या होता है। तो ये उसमें है न्यूरोग्लिया में, ठीक है। तो एट्रोसाइट्स ये हमारी जो सेल्स होती हैं, मेन सपोर्ट फाइबर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस में होता है, हमारी सेल बॉडी होती है, वो मेन उसमें रोल प्ले करती है। बट हम बात करते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये मेन सपोर्ट फाइबर होता है, ठीक है। और दीज इन द शेप ऑफ अ स्टार, ये क्या करते हैं कि तारे के आकार में कई पतली इस ब्रांच में डिवाइडेड इनटू मेनी थिन ब्रांचेस, ओके। और ये न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, सो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और इट अकर्स एंड रिमेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम आयन के एक तरीके से बैलेंस में मेंटेन, बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब और प्लस इसमें ये ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कि ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ठीक है। वो यही काम करता है आपका एट्रोसाइट्स, ओके। अब कुछ फॉर्मेशन ऑफ द एट्रोसाइट्स आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, चलो अभी आगे इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ब्लड एक तरीके से ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तथा एक तरीके से एट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर के निर्माण में भी हेल्प करते हैं, जिसका कार्य मस्तिष्क में चयनित पदार्थों को ही जाने देना है। तो ये एक एट्रोसाइट्स होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ब्लड के साथ मतलब कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल न चला जाए, इस वजह से इनका भी काम होता है कि ये उसको एक तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। अब सेकेंड जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। ये भी एक तरीके से एस्ट्रोसाइट से छोटी सेल्स होती हैं, और ये तंत्रिका कोशिका काय के मतलब सेल्स बॉडी के चारों ओर एक जाल का निर्माण करते हैं, ओके। तो ये एक तरीके से नेटवर्क अराउंड द नर्व सेल्स फॉर्म करती हैं, ठीक है, व्हिच वर्क टू प्रोवाइड सपोर्ट टू देम, जो इनको एक तरीके से काम करने में और सहारा प्रदान करने में हेल्प करती है, ओके। देन थर्ड है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया दीज आर द स्मॉल फैगोसाइटिक न्यूरोलॉजिया प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोसाइट व्हिच फंक्शन इज टू किल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड क्लीन द सीएनएस, मींस
ऐसे जीवाणु जो हमारे मतलब ब्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये माइक्रोग्लिया क्या करती है, ये एक तरीके से मोनोसाइट से पैदा हुए छोटे फैगोसाइटिक न्यूरोग्लिया हैं, ठीक है, जिनका कार्य है कि रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारना तथा CNF सेंट्रल नर्वस सिस्टम को साफ करना है, और ये मुख्य रूप से जहाँ रक्त वाहिनी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ है यही एपेंडाइमल। एपेंडाइमल क्या होता है, ये एपिथेलियम से बनी हुई सेल्स हैं, ठीक है, विच आर फाउंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंट्रल कैनाल जो है स्पाइनल कॉर्ड में बीचों बीच जो कैनाल होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के वहाँ पाई जाती है एपेंडाइमल। ओके, अब बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरीके से दो पार्ट होते हैं, मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और दोनों भाग झिल्लियों द्वारा ढके होते हैं, ठीक है। तो बोथ दीज पार्ट्स आर कवर्ड बाई मेम्ब्रेन और दीज मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सॉफ्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है, और इनकी तीन परत होती है, जो ये एक मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन हैज़ 3 लेयर। ओके, अब बात करते हैं, पहली लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरामेटर, ठीक है। अब ड्यूरामेटर क्या है कि दिस इज अ थिक एंड हार्ड लेयर लोकेटेड ऑन द आउटसाइड, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती है, और यहाँ पे भी दो मेम इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, दो झिल्लियाँ होती हैं, और ये दोनों झिल्लियाँ चार पांच स्थानों को छोड़कर एक दूसरे से मिली होती हैं। दिस टू मेम्ब्रेन्स आर जॉइंट टू ईच अदर एक्सेप्ट एट 4 और 5 प्लेसेस। ओके, दिस प्लेसेस आर, ये कौन कौन से प्लेसेस हैं, फ्लैक्स, सेरेब्री, ठीक है, लोकेट बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और इट इज एरो शेप्ड एट द अपर एज एंड फ्रॉम द वेनस कैनाल व्हिच टेक्स वेनस ब्लड फ्रॉम द ब्रेन एंड द टेंटोरियम सेरेब्राई सेपरेट द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरेबेलम। ड्यूरोमेटर एक तरीके से बाहर की तरफ से मोटी और कठोर परत होती है, इसकी दो झिल्लियाँ होती हैं, ये दोनों झिल्लियाँ चार पांच स्थानों को छोड़कर एक दूसरे से मिली होती हैं, और ये स्थान है आपका फ्लेक्स सेरेब्राई और दूसरा है आपका टेंटोरियम सेरेब्राई, ठीक है। अब जो क्या करती है, एक तरीके से ब्रेन में से ब्लड को लेती है, वेनस ब्लड। ओके, अब डायफ्राम सेल है, एक तरीके से इसका आकार उंगली जैसा होता है, जो स्फेनॉइड जो बोन होती है कान के पीछे, ठीक है, इसमें उपस्थित गड्ढों को ढक के रखती है, जिसे सेला ट्यूरिका बोलते हैं, सेला ट्यूरिका, ये टर्सिका। ओके, अब बात करते हैं कि एरेकनॉइड मैटर क्या होता है। एरेकनॉइड मैटर भी एक तरीके से रेशेदार पदार्थ है, ठीक है, और एक इट इज सॉफ्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरोमीटर एंड पॉलीमीटर, ठीक है, पॉलीमीटर और ड्यूरोमीटर के बीच में उपस्थित होता है, और ये एक तरीके से कोमस झिल्ली होती है, ठीक है, और इट कंटेन आपका कॉलेजन इलास्टिक फाइबर और दीज आर स्पेस बिटवीन ड्यूरम एंड आर्कनॉइड्स, ठीक है, जिसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और दीज स्पेस इज फिल्ड विद CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है ड्यूरोमीटर और आर्गनॉइड के बीच में, ठीक है। तो ड्यूरोमीटर क्या होता है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है फर्स्ट, और आर्गनॉइड क्या होता है, जो नीचे हम पढ़ रहे हैं सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है CSF। अब बातें हैं बात करते हैं पायोमीटर। पायोमीटर क्या होता है, तो पायोमीटर इज़ द इनर मोस्ट थिन लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, और जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं व्हिच सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और यही पायोमीटर होती है जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड्स को। इट्स अराउंड द
स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज डाउनवर्ड्स और विच इज कॉल्ड फाइलम, फाइलम टर्मिनल. विच कॉल्ड द कॉकिक्स, विच जॉइंट विद द कॉकिक्स. मतलब जो ये फाइनल टर्मिनल्स कहा जाता है ना, मिरर रिज जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये नीचे तक जाती है और लास्ट का पार्ट जो होता है कॉकिक्स वहाँ तक ज्वाइन करती है.